टैक्सी की सुविधा तो कई सालों से थी, लेकिन हाल ही के सालों में ओला और उबर जैसे टैक्सी सेवाओं के आने की वजह से जिंदगी आसान बन गई है। अब लोग जब चाहते हैं वे आसानी से ओला की बुकिंग करके गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। जहां उनका समय बचता है तो वहीं कई लोगों की ओला कैब चलाकर या फिर अपनी गाड़ी ओला में अटैच करवाकर बम्पर कमाई भी हो जाती है। आप चाहें तो आसानी से उतने रुपए की कमाई कर सकते हैं जितना किसी एक मिडिल क्लास वाला शख्स अपनी नौकरी से करता है। ओला की शुरुआत साल 2010 में हुई थी। देखते ही देखते कुछ ही समय में ओला की देश भर में पहचान बनी और रोजाना बड़ी संख्या में लोग अपनी स्मार्टफोन से ओला कार बुकिंग करने लगे। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठते हैं कि वे कैसे ओला कंपनी के साथ जुड़कर कमाई कर सकते हैं और इसके लिए रोजाना उन्हें कितने घंटे देने होंगे। नौकरी के दौरान लोगों की शिकायत होती है कि वे ज्यादा घंटे तक काम करते हैं, लेकिन यदि आप अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं तो फिर ओला टैक्सी चलाकर ऐसा कर सकते हैं। ओला वेबसाइट के अनुसार आप अपने घंटे खुद चुन सकते हैं। 365 दिन रोजाना आपको भुगतान किया जाता है। आपकी सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन की सुविधा रहती है। 100 से अधिक शहर है जहां पर ओला कैब अपनी सुविधाएं मुहैया करवा रहा है। ओला के साथ अगर आपको जुड़कर काम करना है तो फिर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। आपको पैन कार्ड, चेक या पासबुक रद्द किया गया, आधार कार्ड, पता का प्रमाण या सब माली के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कार के डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको गाड़ी की आरसी, वाहन परमिट, वाहन बीमा की जरूरत होगी। साथ ही ड्राइवर का लाइसेंस, आधार कार्ड और पता का प्रमाण भी होना चाहिए। अगर आपको अपनी कार ओला के साथ अटैच करनी है तो फिर आपको ओला के ऑफिस जाना होगा। वहाँ ओला की टीम आपको इसकी पूरी जानकारी दे देगी। रजिस्ट्रेशन के लिए वह आपके डॉक्यूमेंट का सत्यापन करेगी। कार और ड्राइवर का ऑडिट होगा। ड्राइवर को ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर करार पर हस्ताक्षर होंगे। ओला में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एक भी रुपए चार्ज नहीं किया जाता है। आपके पास बस एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन होना चाहिए, उसमें एक्टिव सिम पर डेटा कनेक्शन होना चाहिए जिससे आपको बुकिंग मिलेगी। ओला दिन के आखिरी में आपका सारा पैसा या फिर अगले दो दिनों में आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर आपको यह देखना है कि आपने कितने रुपए कमाए हैं तो फिर आप ऑनलाइन ही इसे चेक कर सकते हैं। अगर आप ओला की कार लीज पर लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, आईडी प्रमाण पत्र, पता प्रमाण पत्र, रेफरेंस संपर्क और बैंक स्टेटमेंट को सबमिट करना होगा। वहीं जिस तरह की कार आप लीज पर ले रहे हैं उस पर 4,000 रुपए गैर वापसी योग्य चार्ज और 21,000 से लेकर 31,000 तक की सिक्योरिटी मनी के रूप में डिपॉजिट करना होगा, जो कि बाद में वापस हो जाएंगे। यूं तो ओला कैब से होने वाली कमाई कई चीजों पर निर्भर करती है, लेकिन फिर भी आप ओला कैब चलाकर काफी बम्पर पैसा कमा सकते हैं। दरअसल अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रहकर ओला चलाते हैं तो फिर यहाँ आपकी कमाई अच्छी होगी। अगर आप एक दिन में 10 से 12 घंटे तक कैब चलाते हैं तो फिर आप आसानी से रोजाना 2,500 रुपए तक कमा सकते हैं। हालांकि इसमें से ही आपको CNG का भी खर्चा करना होगा। साथ ही आपको गाड़ी में लगने वाले अन्य खर्चे व डेटा कनेक्शन के लिए मोबाइल रिचार्ज आदि के भी खर्चे इसमें से ही करने होंगे। इन सब खर्चों को हटाकर ओला के जरिए से आप हर महीने 40 से 50 हजार रुपए की कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।